Hello friends, welcome to Pharma Sapiens. I'm here with my new video of cell wall synthesis inhibitors, means antibiotics which act by inhibiting of bacterial cell wall synthesis. Antibiotics which mainly target bacterial cell wall synthesis. Now let's start with bacterial cell wall synthesis. The cell wall of bacteria contains peptidoglycan, a substance that does not occur in eukaryotes. जो bacterial cell wall होती है उसमें main जो content उसका माना जाता है peptidoglycan, जो कि normal आपके eukaryotes में देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं bacterial cell wall synthesis कैसे होती है. तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आप इस तरह से समझ लें, यहां पर अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि आपको कहीं पर कंस्ट्रक्शन करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप एक सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे, एक वायर का, वायर को आपस में आप क्रॉस लिंकिंग आपने कर दी और उससे एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया. अब उसके ऊपर आप मटेरियल अप्लाई करोगे. अब यहां पर आपके साथ में एक प्रॉब्लम है कि जहां पर आपको क्रॉस लिंकिंग करनी है, जहां पर आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, वहां पर मटेरियल नहीं है. मटेरियल है, एक बैरियर बना हुआ है, बैरियर के दूसरी तरफ, बैरियर के अंदर की तरफ पूरा मटेरियल रखा है और कंस्ट्रक्शन आपको बैरियर के बाहर की तरफ करना है. एक बैरियर लगा हुआ है तो बैरियर के अंदर की तरफ पूरा मटेरियल है और बैरियर के बाहर की तरफ आपको वहां पर कंस्ट्रक्शन करना है. तो आप क्या करोगे, सिंपल एक तरीका आप अपना सकते हो कि कैरियर भेज दो, वहां पर कैरियर जाएगा अंदर के तरफ जाएगा, अंदर की अंदर ना जाके बिल्कुल उसके बैरियर के पास में जाएगा और वहां जाके वो पहुंचा वहां पे. तीन जगह जो जरूरी जरूरी सामान जहां पे रखाता है वो उसमें कैरियर में टो होता जाएगा और वो आपके पास बाहर की तरफ ले आएगा. बाहर आप उसको अनलोड कर लोगे, फिर उस कैरियर को आप भेज दोगे. आप सिंपल इमेजिन करो कि आप एक बैरियर के बाहर की तरफ कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं और बीच में एक बैरियर लगा हुआ है और मटेरियल पूरा बैरियर के अंदर रखा हुआ है. अब मटेरियल लाने के लिए आपने एक ट्रक भेज दिया, ट्रक पहुंचा वहां पे, तीन जगह रुका, एक जगह से ईंटें लेनी थी, एक जगह से सीमेंट लेना था, सीमेंट ले लिया, एक जगह से वायर लेने थे वो ले लिए, और भी दूसरी चीजें लेनी थी वो ले ली. अब पूरा सामान लेके वो बाहर आपकी तरफ आ गया, आपने उसको अनलोड किया, फिर से खाली ट्रक को आपने भेज दिया. तो बिल्कुल यहां पर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस यहां पर इसी तरीके से होती है. अब यहां पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में कि दो पार्ट है यहां पर, इनसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल. तो जो स्ट्रक्चर तैयार होना है ये बाहर की तरफ, आउटसाइड द सेल यहां पर स्ट्रक्चर तैयार होना है, और मटेरियल कहां पर है, पूरा इनसाइड द सेल. मटेरियल कहां पर है, यहां पर इनसाइड द सेल, यहां पर मटेरियल है. और मटेरियल सेल के अंदर जो मटेरियल है ये हाइड्रोफिलिक है. अब ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से क्रॉस होके कैसे जाएगा, तो इसको क्रॉस करवाने के लिए यहां पर ये कैरियर है C55 लिपिड कैरियर, जो कि यहां पर इसको क्रॉस करवाने के लिए, जो इसको क्रॉस करवा के लाएगा. इनसे C55 लिपिड कैरियर जाएगा, यहां गया, यहां इसको मटेरियल मिल गया, फिर यहां पर मिल गया, फिर यहां पर मिल गया, और ये मटेरियल ले जाके ये लिपिड कैरियर यहां पे लाया, यहां पर अनलोड हुआ और फिर यहां पे गया, और ये लगातार ये साइकिल यहां पर लगातार चलती रहती है. तो एक सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसको मटेरियल मिलता जाएगा, एक शेप तैयार होगा. उस शेप के कारण बैक्टीरियल सेल वॉल को इतनी ताकत मिल पाएगी, इतनी स्ट्रेंथ मिल पाएगी वो, ताकि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सके इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट. जो बैक्टीरिया के अंदर होता है हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. अगर सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया होगा, तो वहां पे इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके अगेंस्ट रजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएगा, स्वेल हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा. तो यहां पर जो रिजिडिटी है बैक्टीरियल सेल को, जो शेप है, जो ताकत है, वो देते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल. और बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस इसी तरीके से यहाँ पे होती है. मींस जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और जो कंस्ट्रक्शन होना है, जो सिंथेसिस होनी है, वो बाहर की तरफ होनी है. तो लिपिड कैरियर जो है वो यहां पर उन मटेरियल्स को अंदर से बाहर की तरफ लाने का काम करता है.
तो यहां पर हम बात कर रहे थे द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन, ऐसे पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं जो नॉर्मली यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग बैग है जिसने कि एनक्लोज करके रखा है पूरे बैक्टीरिया को। अब ये अलग अलग हो सकता है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिस बैग कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल थिकनेस, थिकनेस बहुत कम रहती है इसकी, बट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, देयर मे बी एज मेनी एज 40 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की लगभग 40 लेयर वहां पर हो सकती है। ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बैकबोन्स ऑफ अमीनो सुगर्स, हर लेयर में मल्टीपल बोन हो सकती हैं अमीनो सुगर की। अभी अमीनो सुगर ये क्या हो सकते हैं आपके, एक तो जैसे एम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और जी है यहां पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो एम क्या है आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और जी क्या है यहां पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नॉर्मली इनको हम नाम और नाग बोलते हैं, नाम हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नाग हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की बात अगर हम करें तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड हैविंग शॉर्ट पेप्टाइड साइड चेन दैट आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म पॉलीमेरिक लैटिस। ये जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ में एक छोटी सी पेप्टाइड की साइड चेन यहां पे रहती है और ओवरऑल अगर हम देखें इसकी, अगर पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन यहां पर जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो लगभग 10-15% जो ड्राई वेट होता है सेल का ये केवल इसी के कारण होता है, पेप्टिडोग्लाइकन के कारण होता है। यहां पे क्रॉस लिंकिंग में मेन रोल प्ले करता है ग्लाइसिन, ये यहां पे आपको दिख रहा है 5 ग्लाइसिन रेसिड्यू यहां पर आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे दिख रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं हमेशा ये 5 रहे ग्लाइकोजन, यहां ये देखें आप ये स्काई ब्लू कलर से ये दिखाए हुए हैं ग्लाइसिन 5 ग्लाइसिन रेसिड्यू, ये सेल टू सेल ये डिफर कर सकते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, जो हमने यहां पर एग्जांपल लिया है ये स्टेफाइलोकोकाई का एग्जांपल लिया है। इन स्टेफाइलोकोकाई दे कंसिस्ट ऑफ 5 ग्लाइसिन रेसिड्यू, स्टेफाइलोकोकाई में ये 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज यहां पे होते हैं। ग्रीन कलर से ये जो हमने ये दिखाए अमीनो एसिड्स हैं पेप्टाइड साइड चेन के म्यूरामिक एसिड से जो जुड़े हुए हैं। तो हम यहां पे शुरू करते हैं, यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है कि मटेरियल जो है वो अंदर प्रेजेंट है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अंदर प्रेजेंट है, जो मटेरियल है अंदर प्रेजेंट है और कंस्ट्रक्शन आउटसाइड सेल होने वाला है। सो टू बिल्ड अप दिस वेरी लार्ज इनसॉल्युबल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द बैक्टीरियल सेल हैज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू ट्रांसपोर्ट द हाइड्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैसे इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बाहर की तरफ वो क्या कर सके ट्रांसपोर्ट कर सके। अब ये किसके थ्रू हो पाता है यहां पे, यहां पर पहले भी अभी अभी बात की है C55 लिपिड कैरियर, C55 लिपिड कैरियर जो है यहां पे, इसको C55 नाम क्यों दिया गया बिकॉज इट कंटेन्स 55 कार्बन एटम्स। तो ये टोइंग का काम करेगा, ये टो करेगा इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस वेरी लार्ज लिपिड कैरियर टोज बिल्डिंग ब्लॉक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहां पर इस प्रोसेस को हम देखते हैं, यहां हम शुरुआत से देखते हैं, शुरुआत से एम, एम जो आपको दिख रहा है यहां पे, एम एम में यहां पर यह है ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड एम है आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड किसके साथ में है ट्राइपेप्टाइड के साथ में है। इससे आके दो और अमीनो एसिड रेसिड्यू जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड काय में कन्वर्ट हो जाएगा पेंटापेप्टाइड में। फिर से देखो यहां पे जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, इट इज अटैच टू यूरिडिन डाइफॉस्फेट। क्या है यहां पर यूरिडिन डाइफॉस्फेट है, यूरिडिन डाइफॉस्फेट है, इसमें 3 पेप्टाइड हैं, 2 और इससे आके जुड़ जाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड काय में कन्वर्ट हो जाएगा पेंटापेप्टाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपको अच्छे से इस पे ध्यान देना है कि जब तक ये पेंटापेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये किसी काम का नहीं है। तो ट्राइपेप्टाइड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का किस फॉर्म में कन्वर्ट होना है चाहिए, पेंटापेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। इसके लिए ये 2 रेसिड्यू जुड़ना जरूरी है, ये 2 रेसिड्यू यहां पे जुड़ेंगे तब जाके ये पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट होगा। तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड किसके साथ में है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट के साथ में है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय अ रिएक्शन विथ यूडीपी
एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यहां पर एक यूनिटी यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के साथ में यहां पर एक रिएक्शन होने वाली है। इसके पहले अगर रिएक्शन की बात करें तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड विथ यूरिडीन डाइफॉस्फेट और ये जो पेंटापेप्टाइड के साथ में है ये ट्रांसफर हो जाएगा C55 लिपिड कैरियर में, और जैसे C55 लिपिड कैरियर में ट्रांसफर होगा यहां से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का रिलीज हो जाएगा। देयर विल बी रिलीज ऑफ यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का रिलीज हो जाएगा। तो डाइफॉस्फेट था, डाइफॉस्फेट से एक यहां पर रिलीज हो गया मोनोफॉस्फेट, मतलब केवल एक ही फॉस्फेट यहां पे बचा हुआ है। तो ध्यान से देखें आप, C55 लिपिड कैरियर एक फॉस्फेट लेके आया था, एक फॉस्फेट यहां पे बचा हुआ है, तो C55 के साथ में एक फॉस्फेट पहले से था, एक फॉस्फेट यहां पे बचा हुआ है और इससे आके जुड़ा हुआ है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड। अब इसके बाद जो रिएक्शन होने वाली है, इसकी रिएक्शन होने वाली है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट के साथ में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जी से है ये आपका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो किसके साथ में यूरिडीन डाइफॉस्फेट के साथ में है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी जुड़ेगा किससे जाके जुड़ेगा, C55 लिपिड कैरियर से जाके जुड़ेगा। और जैसे ये इससे जुड़ेगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट, पूरा का पूरा यूरिडीन डाइफॉस्फेट यहां पे निकल जाएगा। प्रीवियस स्टेप से यहां पर डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है यहां पे कि यहां केवल मोनोफॉस्फेट रिलीज हुआ था लेकिन यहां पर डाइफॉस्फेट रिलीज हो गया। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बोला था कि आपको इमेजिन करना है कि एक ट्रक जगह जगह जा रहा है एज ए कैरियर, वो काम कर रहा है और जो जो सामान चाहिए वो लेता जा रहा है। तो यहां से उसने क्या ले लिया, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड पेंटापेप्टाइड जो कि उपयोग होने वाले है आगे, यहां से क्या ले लिया उसने एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ले लिया, एन एसिटाइल पेंटापेप्टाइड ले लिया, किससे आके जुड़ गया C55 लिपिड कैरियर से जाके जुड़ गया। अब उसको अगले मटेरियल की जरूरत है, अगले मटेरियल में उसको जरूरत है क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए ग्लाइसिन की जरूरत है, इट रिक्वायर्स ग्लाइसिन। अब यहां पर हम एग्जांपल स्टेफिलोकोकाई का ले रहे हैं, तो यहां पे हम फाइव रेसिड्यू यहां पे लेगा ये ग्लाइसिन के, ग्लाइसिन के फाइव रेसिड्यू यहां पे आके जुड़ जाएंगे C55 लिपिड कैरियर से आके, यहां पे आके जुड़ गए ये आके फाइनली जुड़ जाएंगे पेंटापेप्टाइड्स फॉर्म से फॉर्म पे आके यहां पे जुड़ जाएंगे। तो अब यहां पे फाइनली C55 लिपिड कैरियर के पास में क्या क्या हो गया, दो फॉस्फेट, एक उसका अपना फॉस्फेट था, एक जो उसके म्यूरामिक एसिड के साथ में मिला था, उसके बाद एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड साथ में ग्लाइसिन रेसिड्यूज है, इस तरफ उसके एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, मतलब जितनी चीजों की जरूरत हमारे कैरियर को थी उसने पूरा फिल कर लिया। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि ट्रक पूरा फुल हो चुका है, जिन जिन मटेरियल की जरूरत थी उसको पूरा मिल गया, अब वो दूसरी तरफ ला रहा है, ये दूसरी तरफ ला रहा है, यहाँ पे ये लिपिड कैरियर यहाँ पे दूसरी तरफ लेके आ गया फाइव ग्लाइसिन रेसिड्यू को लेके आ गया जो कि पेप्टाइड चेन से जुड़े हुए हैं इन स्टेफिलोकोकस की, और ये इसकी बात करें अब नाउ The building block is transported out of the cell and added to the growing end of peptidoglycan. ये है आपके growing end of peptidoglycan. Peptidoglycan के growing end है, जो मतलब जितना structure अभी तक तैयार हो चुका है, ढांचा तैयार हो चुका है, ये growing end है। इस growing end को बोला जाता है acceptor. This growing end is called acceptor. तो ये अब इसको अपने आप को unload करना है, जो कैरियर है, कैरियर जो लेके आया था पूरा छोड़ देगा, पूरा किसके लिए छोड़ देगा, एक्सेप्टर के लिए। एक्सेप्टर क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो पहले से कुछ प्रेजेंट था, कुछ जो नया लाए हैं, इनमें आपस में क्रॉस लिंकिंग होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी, एक के ऊपर आपस में क्रॉस लिंकिंग होती जाएगी, एक शेप मिलता जाएगा, एक रिजिडिटी मिलती जाएगी और बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस होती जाएगी। तो यहां पर इसने अनलोडिंग कर दी, जो जो लेके आया था सब कुछ छोड़ दिया, केवल एक्स्ट्रा इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एक फॉस्फेट यहां पर प्रेजेंट है। तो इस फॉस्फेट जो एक्स्ट्रा यहां पे फॉस्फेट प्रेजेंट है इसको लूज करना भी जरूरी है। सो नाउ द लिपिड कैरियर लूजेस वन फॉस्फेट ग्रुप एंड दस बिकम अवेलेबल फॉर एनदर साइकिल, और एक नई साइकिल के लिए ये अवेलेबल हो गया। फिर से यहां पर हम इसको देखते हैं, C55 लिपिड कैरियर एक फॉस्फेट को लेके आया, इससे यहां पे जुड़ा हुआ है आपका एन एस, इससे यहां पे जुड़ने के लिए तैयार एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड, लेकिन इसके लिए भी पहले ये ट्राइपेप्टाइड फॉर्म में था, ट्राइपेप्टाइड पेंटापेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यूडीपी साथ में, यूरिडीन डाइफॉस्फेट यहां पे साथ में है, यहां पे जुड़ा, जैसे यहां पर ये अटैच हुआ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड यहां पर अटैच हुआ, डाइफॉस्फेट से एक ये मोनोफॉस्फेट यहां पे निकल गया, तो एक फॉस्फेट यहां पे बचा, तो C55 लिपिड कैरियर के पास में क्या आगे एक्स्ट्रा आ गया,
एक फॉस्फेट आ गया, एन एसिटाइल मिरर एसिड पेंटापेप्टाइड के साथ में आ गया। अब आगे चला ये, आगे इसको मिला एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूडीपी के साथ में, यूडीपी कंप्लीटली स्प्लिट ऑफ हो जाएगा, ये पूरा यूडीपी निकल जाएगा और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यहाँ पे आके जुड़ गया। अब आगे क्रॉस लिंकिंग के लिए इसकी जरूरत है ग्लाइसिन रेसिड्यू की, ग्लाइसिन रेसिड्यू यहाँ पेंटापेप्टाइड से आके बाइंड हो गया। जिस जिस मटेरियल की जरूरत थी C55 लिपिड कैरियर ने उसको ले लिया और ये ले जाके उसको अब जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको आगे आउटसाइड द उसको सेल उसको भेजना था तो यहाँ पे आके वो ले आया। अब इसकी अनलोडिंग होनी है, पूरा मटेरियल किसको दे देगा, एक्सेप्टर को दे देगा, क्रॉस लिंकिंग होगी, स्ट्रक्चर तैयार हो करेगा, शेप बनेगा, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस यहाँ पर होगी और अनलोडिंग होगी। अनलोडिंग होने के बाद यहाँ पर फिर से तैयार हो जाएगा लिपिड C55 लिपिड कैरियर, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, ये अपने इस एक्स्ट्रा फॉस्फेट को लूज करेगा, तभी जाके यहाँ पर तैयार हो पाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, अब यहां पर देख सकते हैं कि हमारे ड्रग्स का टारगेट क्या हो सकता है। अब ड्रग को क्या करना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, तो यहां टारगेट क्या हो सकता है, एक टारगेट ये हो सकता है कि अगर हम इस ट्राइफॉस्फेट को ट्राइपेप्टाइड को पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट ना होने दें तो ये किसी काम का नहीं रहेगा एन एसिटाइल मिरोमिक एसिड, या फिर हम आगे जो एक्सेप्टर जो आगे जो आपका लिपिड कैरियर है जो यहाँ पे लेके आया है इसको अनलोडिंग ना होने दें, या क्रॉस लिंकिंग ना होने दें, या इसको तैयार ही ना होने दें जो आपका लिपिड कैरियर है, मतलब जो ट्रक आप यूज कर रहे हैं, मैंने ट्रक के आपको एग्जांपल ले, जो ट्रक आप यूज कर रहे हैं वो खाली नहीं है, भरा हुआ ट्रक अगर वहां जाएगा भी तो भी किसी काम का नहीं है। मतलब फाइनली हमें अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट रहेगा वो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस ना हो पाए, तो या तो हम कैरियर को काम ना करने दें, या कैरियर जिसको लेके आने वाला है वो वहां पे ना आ पाए जिन मटेरियल्स को लेके आने वाला है, या अनलोडिंग ना होने दें, या क्रॉस लिंकिंग ना होने दें। तो ये हमारे अलग अलग टारगेट हो सकते हैं, देयर मे बी डिफरेंट टारगेट्स फॉर द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। अब यहां पर पहले एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन इट इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ डी एलानिन। ये डी एलानिन का स्ट्रक्चरल एनालॉग माना जाता है और ये जो दो टर्मिनल रेसिड्यू इनिशियल ट्राइपेप्टाइड से जुड़ रहे थे, अभी हमने देखा जो ट्राइपेप्टाइड से जुड़ रहे थे ये वहां पर बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड एन जो ट्राइपेप्टाइड था वो पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइपेप्टाइड को पेंटापेप्टाइड में जो कन्वर्जन हो रहा था ये दो रेसिड्यू यहां पे आके जुड़ रहे थे, टर्मिनल एलानिन के दो रेसिड्यू यहां पे आके जुड़ रहे थे। साइक्लोसेरिन इन इस डी एलानिन के साथ में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर इनके जैसे ही रहता है, खुद आके यहां पे जुड़ जाएगा तो ये ट्राइपेप्टाइड पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ट्राइपेप्टाइड पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये C55 लिपिड कैरियर के लिए किसी काम का नहीं। तो अच्छे से आपको याद रखना है कि साइक्लोसेरिन है जो डी एलानिन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, ये दो टर्मिनल रेसिड्यू को एलानिन रेसिड्यू को यहां पर बाइंड नहीं होने देगा, मतलब ट्राइपेप्टाइड को पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो लिपिड कैरियर अगर इसको ले भी लेगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब आगे की पूरी प्रोसेस यहां पर अफेक्ट हो गई, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस यहां पर नहीं हो पाएगी। अगला टारगेट देखते हैं हम, वैनकोमाइसिन क्या काम करता है, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट फ्रॉम द कैरियर एंड दस प्रिवेंटिंग इट्स एडिशन टू द ग्रोइंग एंड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट फ्रॉम द कैरियर एंड दस प्रिवेंटिंग इट्स एडिशन टू द ग्रोइंग एंड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। इट बाइंड्स टाइटली टू द टर्मिनल डी एला सिक्वेंस एंड prevent its release from the carrier so that further transpeptidation cannot take place. अगला target हमारा क्या है, हम carrier की unloading ही ना होने दें, carrier को खाली ही ना होने दें तो वो carrier available ही नहीं हो पाएगा अगले step के लिए, अगली cycle के लिए, वो इस तरीके से हो सकता है। vancomycin यहां पर जो अनलोडिंग होने वाली थी, अनलोडिंग को कैसे रोक दिया कि ये खुद
ये जो डी एलानीन के जो सीक्वेंस है, डी एलानीन के जो सीक्वेंस है, ये खुद जाकर उसके टर्मिनल पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे जाके जुड़ गया वेनकोमाइसिन, और खुद यहां पर जाकर जुड़ गया, अगर सेल्फ अगर यहां पे जाके अटैच हो जाएगा तो ये जो C55 लिपिड कैरियर है ये यहां पर अनलोड नहीं हो पाएगा, जो मटेरियल ये लेके आया था ये उसको यहां पर खाली नहीं कर पाएगा, मतलब ये नई साइकिल के लिए लिपिड कैरियर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वेनकोमाइसिन हमारे यहां पे काम करता है, ये टर्मिनल डीएलआर सीक्वेंस से जाके बाइंड हो जाता है, इसके रिलीज को रोक देता है कैरियर से, और रिलीज को रोक देगा मतलब फर्दर ट्रांसपेप्टाइडेशन वहां पर नहीं हो पाएगा, आगे लिपिड कैरियर अवेलेबल भी नहीं रहेगा नई साइकिल के लिए। तो आपका यहां पर बाइंड हो रहा, शुरुआत में यहां पर बाइंड हो रहा था साइक्लोसेरिन, और यहां पर आपका काम कर रहा है वेनकोमाइसिन। अगला टारगेट देखते हैं वेसिट्रासिन। वेसिट्रासिन इंटरफेयर विथ रीजेनरेशन ऑफ लिपिड कैरियर बाय ब्लॉकिंग इट्स डीफॉस्फोराइलेशन। अभी हमने देखा था कि जब तक ये लिपिड कैरियर काम का नहीं है, जब तक इसमें एक्स्ट्रा ये फॉस्फेट अटैच है, केवल सिंगल फॉस्फेट हमें चाहिए तब ये काम का रहेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट अटैच है यहां पर डीफॉस्फोरिलेशन होना जरूरी है। अगर ये डीफॉस्फोरिलेशन यहां पे नहीं हो पाएगा, अगर डीफॉस्फोरिलेशन यहां पे नहीं हो रहा है तो ये दो फॉस्फेट यहां पर अवेलेबल बने रहेंगे, और दोनों फॉस्फेट यहां पर अवेलेबल बने रहेंगे मतलब नई साइकिल यहां पर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हमने ट्रक तो भेज दिया लेकिन ट्रक खाली नहीं है, तो वो कोई मटेरियल लेके नहीं आ पाएगा। तो यहां पर लिपिड कैरियर का डीफॉस्फोरिलेशन होना जरूरी है, और वेसिट्रासिन क्या करेगा, रीजनरेशन नहीं होने देगा, इसके डीफॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाए होने देगा, C55 लिपिड कैरियर का रीजनरेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। तो एक लाइन में आपको याद रखना है, वेसिट्रासिन ब्लॉक द रीजनरेशन ऑफ लिपिड कैरियर, इसके लिपिड कैरियर के रीजनरेशन रोकता है मतलब नई साइकिल वो स्टार्ट नहीं होने देगा। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इनके बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इनका कंप्लीट मोड ऑफ एक्शन भी हमने डिटेल में वहां पे समझा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस प्रीवियस वीडियो की। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिंस है, आपके मोनोबैक्टाम्स हैं, तो ये इस तरह के जो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये इस पार्ट पर काम करते हैं, इस पार्ट पर जहां पर क्रॉस लिंकिंग होने वाली है, क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देंगे, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी, मीन्स सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, और सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, हमने शुरुआत में ही देखा कि अगर सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया वहां पे प्रोड्यूस हुआ तो हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बैक्टीरिया स्वेल होगा और वस्ट हो जाएगा, एंड देयरफॉर दे आर हैविंग बैक्टीरिसाइडल एक्शन, इसलिए बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करते हैं। अगर इंडिविजुअली हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था नाम मतलब क्या है, ये आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाक मतलब क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग तभी हो पाएगी जब वहां पे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम काम करेगा। अब यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, द बैक्टीरिया सिंथेसाइज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, रिप्रेजेंट किया था इसके प्रीवियस जो हमने देखा था डायग्राम, जो प्रीवियस पिक्चर हम जो डिस्कस कर रहे थे, पेप्टिडोग्लाइकन रेसिड्यू आर लिंक टूगेदर फॉर्मिंग लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड यूडीपी इज स्प्लिट ऑफ। अभी हमने शुरुआत में देखा था कि यूडीपी निकलना जरूरी, यूडीपी स्प्लिट ऑफ होगा जैसे ग्लूकोसामिन जाके बाइंड होता है, यूडीपी वहां पर निकल जाता है, पिछले उसमें हमने देखा कि यूडीपी निकलता है वहां पर, तब जाके आगे ग्लाइसिन आके बाइंड होगा। इन फाइनल स्टेप द क्लीवेज ऑफ टर्मिनल डी एलानिन, फाइनल स्टेप में टर्मिनल डी एलानिन निकलेगा पेप्टाइड चेन से, और ये काम करेगा यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम टर्मिनल डी एलानिन को निकलने देगा, जब डी एलानिन निकलेगा तभी क्रॉस लिंकिंग हो पाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो पाएगी मतलब सेल वॉल को एक शेप मिल पाएगा, एक स्ट्रक्चर मिल पाएगा, तब सेल वॉल सिंथेसिस वहां पर हो पाएगी। अब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम यहां पर इस टर्मिनल डी एलानिन के क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और जब ये क्लीवेज होगा तभी वहां पे क्रॉस लिंकिंग हो पाएगी, और जो इस क्रॉस लिंकिंग जो होती है, एक एनर्जी यहां पर रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज जो होती है वो क्रॉस लिंकिंग
वहां पर करवाती है, क्रॉस लिंकिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो नेबरिंग स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में वहां पर क्रॉस लिंकिंग होती है। दिस क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। शुरुआत से हम बोल रहे हैं कि ये एक ढांचे जैसा काम करेगा, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे जब हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, या कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो पहले वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो ये क्रॉस लिंकिंग से वो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो स्टेबिलिटी दे रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी दे रहा है वहां पे। तो द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेज सो दैट क्रॉस लिंकिंग डज नॉट टेक प्लेस। क्रॉस लिंकिंग वहां पे नहीं हो पाएगी। तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं, ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिटर। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। टर्मिनल डी एलानिन वहां पर नहीं निकल पाएगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी मतलब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, और सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा मींस स्वेल होगा और बस्ट हो जाएगा। देयर विल बी बैक्टीरियासाइडल एक्शन। अब यहां पर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक स्पेशली स्पेशली ये बोला जाता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो यूकैरियोट्स के लिए बहुत ज्यादा, इनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट यहां पे रोल नहीं है, ये बैक्टीरिया के लिए यूनिक माने जाते हैं। तो ये ह्यूमन के लिए अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये नॉन टॉक्सिक माना जाता है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बाकी तो और बहुत सारी टॉक्सिसिटी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, लेकिन इस तरह से इनकी टॉक्सिसिटी नहीं मानी जाती, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन का ह्यूमन सेल में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट यहां पर रोल नहीं है, यूनिक है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो ये आप अगर ओवरऑल यहां पर देखें तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल कैसे सिंथेसाइज की जाती है, बैक्टीरिया कैसे सेल वॉल सिंथेसाइज करता है, यहां पर हमने देखा था। सबसे पहले पार्ट इज यहां पर साइक्लोसेरिन काम कर रहा था, वैनकोमाइसिन इस टर्मिनल पार्ट को रिलीज नहीं होने दे रहा था, मतलब अनलोडिंग नहीं होने दे रहा था C55 लिपिड कैरियर की, मतलब ये लिपिड कैरियर किसी काम का नहीं था। बेसिट्रासिन डीफॉस्फोरिलेशन नहीं होने दे रहा था C55 लिपिड कैरियर का, मतलब इसका रीजनरेशन नहीं हो पाएगा, रीजनरेशन नहीं हो पाएगा मतलब ये किसी काम का नहीं रहेगा, नई साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने पढ़ा, इट इज ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिटर, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी, सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। चारों को एक साथ देखें तो देखें, पहले नंबर पे यहाँ पे साइक्लोसेरिन काम कर रहा है, ट्राइपेप्टाइड को पेंटापेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, वैनकोमाइसिन यहाँ पर इसको फाइनल इसको रिलीज नहीं होने दे रहा है, अनलोडिंग नहीं होने दे रहा है, वेसिट्रासिन डीफॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट कर रहा है, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, केवल आपने इतना याद रख लिया, इसका प्रीवियस इसके पहले एक और वीडियो मैंने यहां पर दिया था प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, वो वीडियो और ये वीडियो, इनको दो वीडियो का अगर आप तैयार कर लें तो 80% आपके एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर ये आपको क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली कौन सा ड्रग कौन से पार्ट पे काम कर रहा है। इंडिविजुअली आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक साइकिल आप टारगेट कर रहे हैं, आपको साइकिल से पता चल गया। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमने देखा था कि अलग अलग कौन कौन से स्टेप्स को कौन कौन से ड्रग टारगेट कर रहे हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको दे दूंगा, इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन के मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो आपने देख लिया, ये आपने देख लिया, मतलब 80% एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म एक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये क्लियर हो रहा है कि कौन से ड्रग कौन से स्टेप में कहां पर काम कर रहे हैं। साइक्लोसेरिन कहां काम कर रहा है, वैनकोमाइसिन कहां पर काम कर रहे हैं, वेसिट्रासिन कहां पर काम कर रहे हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहां पर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको। तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग की अगर हम बात करें, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिंस, कारोपिनाम, मोनोवेक्टाम, ये सारे के सारे आपके बीटा लैक्टम और रिलेटेड एंटीबायोटिक्स हैं। वैनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन हो गया, वेसिट्रासिन हो गया, ये आपने अभी इनके बारे में हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लासिफिकेशन आप लोग बहुत अच्छे से आप याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये ड्रग कैसे काम कर रहे थे। इस क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा ये फायदा है कि आपको सीधा सीधा यहां पर पता चल जाएगा कि जैसे कौन से ड्रग कहां पर काम कर रहे हैं, कौन से ड्रग सेल मेम्ब्रेन से लीकेज को बढ़ा रहे हैं, कौन से ड्रग एमआरएनए को मिसरीडिंग क्रिएट कर रहे हैं, कौन से ड्रग डीएनए फंक्शन को टारगेट करने के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, कौन से मेटाबॉलिज्म को टारगेट कर रहे हैं, कौन से स्पेसिफिक एंजाइम को, डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखना। इसमें स्पेशली ये वाला पार्ट हम यहाँ पे इस वीडियो हमने डिस्कस किया, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और
इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके प्रोटीन सिंथेसिस, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो आपने अगर याद कर लिए तो 80% आपके जो ड्रग हैं कीमोथेरेपी के जो मेन एंटीबायोटिक्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपको स्टेप भी वहां पर क्लियर हो जाएगा कि कौन से कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये आपका दो जो मोड ऑफ एक्शन वाले पार्ट ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए, और डिटेल में आप बुक में देख सकते हैं, और आगे हम इसके बारे में और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप लगातार अलग अलग बुक से आप पढ़ते रहें, आप चाहें तो इसके लिए डिटेल में देखने के लिए आप किडी त्रिपाठी देख सकते हैं, स्पर्श गुप्ता आप देख सकते हैं, रेंगेडेल आप देख सकते हैं, वहां पर भी आप इसकी डिटेल और समझ सकते हैं, और भी आप कहीं पर देख सकते हैं। अगर कोई पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इस पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन सा पार्ट है, अगर कोई आपको टफ लग रहा है तो उसके बारे में अगर वीडियो बनाना तो वो भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बना के लाने के लिए। तो आप लोग सुरक्षित रहें, बेहतर तरीके से अपना काम लगातार करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.pharmacpns.com। बहुत बहुत धन्यवाद।